लीवा को बाहर ही लगा है, अंदर कुछ भी नहीं किया। चलो कोर्ट रूम में बढ़ते हैं। Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. How are you? कैसी हो तुम? इसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। कल जब मैं घर पे आया तो मुझे बताया गया कि भाई साहब इसको एक बार देख लो, इसने पीट वीट नहीं खाया। जब मैंने इसको देखा, इसकी जो लैट्रिन थी, हाँ अभी भी है, थोड़ी पतली पतली पेस्ट जैसी होती ना, मेहंदी जैसी वैसी थी। ये वही है वैक्सीन के बाद के आफ्टर इफेक्ट। बाकी जो जानवरों को दिया था उसको कुछ नहीं हुआ है, इसको हुआ है। तो बस इसको एक टेम्परेचर कम होने की गोली दे दी थी मैंने। अभी भी एक बार टेम्परेचर चेक करूंगा और एक गोली दे दूंगा। और यहाँ पे थोड़ी सी शिफ्टिंग करनी है, हमें क्या शिफ्टिंग करनी है, कैसी करनी है बताता हूं, और क्यों करनी है वो भी बताता हूं। चलो फिलहाल इसका टेम्परेचर चेक करते हैं और इसको दवाइयां देते हैं। 101.9 आ रहा है। कल जब रात भी हमने चेक किया था तो 103.3 था। कल भी बॉर्डर लाइन पे था, आज तो है ही नहीं। आज तो अलहमदुल्ला सही है, मगर फिर भी दवाइयां देनी है। आज भी देनी है और कल भी देनी है। दे देंगे, हो जाएगी ठीक। दिस इज आफ्टर इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन। कर नॉट, आई एम हियर, डोंट टेक टेंशन। तो जानवरों का कुछ भरोसा नहीं होता है ना। कल मैं जब गया था, सब कुछ करके खाई पी मस्त थी, एकदम बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं थी इसे। मगर जब मैं शाम में आया तो मुझे बताया गया कि इसकी तबीयत खराब है, इसने फीड नहीं खाया, फीड छोड़ दिया, बस थोड़ी थोड़ी हरी पत्ती खाई। जानवर ना खुद ब खुद बता देता है कि उसकी तबीयत खराब है। तो मैंने तुरंत से इसके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, तब जाके इसने अपना टेम्परेचर कम किया। ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, यही मेन चीज होती है। चलो भाई, आ गई गायफा यहाँ पे। और बाकी जो दूसरी वाली बकरी थी वो भी आ गई है लास्ट वाले केज में। सारे जानवर यहाँ पे आ गए। अब इतराफ कहा जाएगी, यही सोच रहे हो ना आप लोग? इतराफ यहाँ रहेगी कुछ दिनों के लिए। इतने जोर से गमन ठोके मार रही है भाई। ए नीचे हो जाओ, आप थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा ही रहेगा। भाई साहब इनको तो मैं ना आज भी शिफ्ट कर सकता हूँ अपने फार्म पे, मगर हमारे जानवर हमको रखने हैं केज में, इसी वजह से हम वेट कर रहे हैं। ये देखो, इसको सन बात लेने के लिए छोड़ दिया है मैंने। और ये भी खाली करना था मुझे, ये खाली करना है बस। यहाँ पे देखो कोई भी जानवर नहीं है, अभी कोई टेंशन नहीं। अब ये क्यों खाली किया मैंने, दरअसल ये खुलने वाला है आज। ये सारा के सारा खुलेगा, जैसा यहाँ पे पहले था वैसा ही हो जाएगा, सारा का सारा खुलेगा आज के आज। खुल जाएगा पूरा, बनने में 4-5 दिन लगे थे, खुल तो जाना चाहिए। बनने में कोई चीज के लिए ना वक्त लगता है, मगर उसे बिगाड़ने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, समझे आप? ये पतरे वतरे सब कुछ निकल जाएंगे यहाँ पे। अब हमारा सेकंड गोट रूम जो है वो खुलने वाला है, इसीलिए हमने जानवर शिफ्ट कर दिए। चलो लेके जा रहे हैं तुमको अंदर। अभी तक फीड नहीं दिए भाई, इनको फीड दे देते हैं। मस्ती ना मस्ती। वेल्डिंग की मशीन आ चुकी है यहाँ पे, मगर ये अपना केज का काम नहीं करने वाले। ये जो ओनर है ना ये जगह के, हमको ये सारी चीजें मेंटेन करवा के दे रहे। जैसे देखो ये डोर कल नहीं खुल रहा था, मैंने बताया तो उन्होंने ये डोर खुलवाया है, और इसको जो है अभी वो लूज करके देंगे। ये तो लूज हो गया है, बाकी अंदर का जो था वो हमको तो कल ताबा मिल गया था उस चीज का, आज बाहर का भी मिल जाएगा। आप लोगों में से बहुत लोग पूछ रहे थे ना कि ये रेंटेड प्रॉपर्टी है, खुद की ले ली? खुद की भी लेंगे इंशाल्लाह, जैसे हमेशा दुआ करते रहते हो ना आप लोग, हमारे लिए दुआ करते रहिए। फिलहाल जो है ये रेंटेड प्रॉपर्टी है और ये हमारी, ये समझो, क्योंकि इनके इसके जो ओनर्स है ना, पहले तो हमारे दोस्तों के जरिए से मिले वो, और उसके बाद जो है हमारे भाईजान इनको भी जानने वाले निकले वो, तो ये समझो कि अपने ही है, उनके तरफ से फुल ऑन सपोर्ट है हमें। यार ये अभी तक साफ सफाई हुई नहीं है, मुझे ये साफ सफाई करवानी है पूरी। अरे नीचे का साफ होना शुरू हो गया है। यस यस गाइस, नीचे का साफ होना शुरू हो चुका है। हाँ चलो, ओहो यहाँ पे भी हो रहा है भाई साफ सफाई। गुड 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 गुड, लगे हुए काम करने में लगे हुए। चलो देखता हूँ मैं क्या क्या हुआ है अभी तक। एंड फाइनली पाइप्स आर हियर। जितना पीछे हो सकता है उतना पीछे जान दो, निकालने में तकलीफ नहीं होगी ज्यादा। डायरेक्ट ये हटाओ, ये सब साइड में, पीछे तक जाएंगी गाड़ी, मेहनत कम लगेगी ना, डायरेक्टली अंदर चले जाएगा। एक जो खाली केज है ना, खाली बाड़ा है जो, उसमें रखेंगे हम ये इसको, ताकि जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ते जाएगी हम वैसे वैसे निकालते जाएंगे। अपने अंडों के केज यहाँ पे बनने वाले ना, यहाँ पे और यहाँ पे, तो उसको हम वहां पे रख देंगे ये वाले इसमें, क्योंकि ये अपना खस्सी का रहेगा, इसमें कुछ बनने वाला तो है नहीं, इसमें बस अपने जानवर आएंगे और रहेंगे बस। हाँ यहाँ पे फीडिंग की ट्रे लगेगी, यहाँ पे खस्सियों के लिए हम लोग ट्रे लगाएंगे बाहर से, वो कर देंगे। तो सबसे आखिरी में होगा, सबसे पहले तो केज का काम शुरू करवाएंगे। मस्त वाले पाइप आ गए यार। एक और एरिया अनलॉक करने जा रहे हैं हम हमारे फार्म का। हाँ ये है हमारा टेरिस, और हमारा एक और झूला यहाँ पे, और ये हमारा बेड, और ये हमारा फार्म। यहाँ का नजारा ही कुछ और है यार, माशाल्लाह वेरी नाइस। यहाँ पे आराम भी कर सकते हैं भाई। चलो चलो थोड़ा आराम करके मिलता हूँ।
चलो भाई बहुत हो गया आराम, नीचे चलते हैं। थोड़ा लेट गया था यार मैं, क्या मस्त हवा आ रही थी, नींद भी आ रही थी साथ में। मस्त है यहाँ पे दोपहर में आराम करने के लिए, यहाँ पे दोपहर में आराम करते जाऊंगा मैं। जब अपना पानी वानी पिलाने का हो जाता है ना जानवरों को सब, उसके बाद वाला थोड़ा सा आराम वाला टाइम रहेगा अपना। भाई साहब काम तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यहाँ का जितना भी स्क्रैप था सारा सारा निकल चुका है यहाँ से। अभी एक भाई भी आए थे हमारे, एक सब्सक्राइबर ने बिल्डर को भेजे थे, उन्होंने सब कुछ देख के गए और एक अमाउंट बोले उन्होंने। अब थोड़ा सा हमारा बार्गिन चलेगा ना, वही जो थोड़ा सा 19-20 होता है वो करेंगे। अगर हमारे अमाउंट में करे तो बहुत अच्छी बात है, जो सब्सक्राइबर ने उनको भेजा वो उनके रिलेटिव हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी हमारी फिक्र करने के लिए। कल एक सब्सक्राइबर ने हमें ट्रैफिक से बचने के लिए कहाँ से निकलना है ये कमेंट किया, कितनी फिक्र करते हो आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? हाँ ये अपना लाइट का काम करेंगे, ये अपना लाइट का काम करेंगे। हाँ इंशाल्लाह कल से लाइट का काम भी शुरू हो जाएगा। लाइट तो है मगर हमको हमारे हिसाब से चाहिए ना, अभी हमको हमारे हिसाब से चाहिए। जी, जी, जी। हाँ देखो भाई साहब वो हमारा फार्म और यहाँ पे देखो माली माल। शाम के 7:30 बजने आ गए, काम भी हमारा खत्म होते आ गया, एवरीथिंग इज डन। देखो सब कुछ निकल गया यहाँ पे, ये तो रहेगा यहाँ पे रहेगा, ये सब निकल गया। फ्रिज भी था ना, यहाँ की भी साफ सफाई हो गई। यहाँ पे देखो जो सामान पड़ा था वो भी सारा निकल गया, वहां पे शिफ्ट हो गया वो सब कुछ। ये भी क्लीन एंड क्लियर हो चुका है और यहाँ पे भी लाइटिंग हो चुकी है। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा अभी तो, एक नंबर हो गया ये। यहाँ पे भी बाहर वगैरह लाइट आ जाएगी ना और मजा आएगा इंशाल्लाह। चलो फिलहाल मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ किसी का आएगा। 7:30 बज रहे, 7:20 हो रहे, वो आएंगे एक बार फिर जो काम है वो सब बता के मैं निकल जाऊंगा। मगर वो आए तो सही पहले, फिर हमें यहाँ से निकलने के बाद एक्शन वाली दुनिया में भी तो जाना है। चलो भाई रात के 10 बज के जा रहे हैं। भाई काफी पहले ही आ चुका हूँ मैं, 8:30 बजे आया था। हाँ 8:30 बजे आया था मैं। हमारे शूज फार्मर लाइफ से डायरेक्टली पेस्ट्री वाली लाइफ में शिफ्ट हो रहे हम, ओनली फॉर 2 डेज। 3000 का शूज है तेरा, घर इसमें चले जाएंगे। सबसे पहले तो आते ही राम प्यारी को यहाँ लगवाया और धुलवाया भाई, कितनी गंदगी हो गई थी वो, कितनी गंदी हो गई थी वो। चलो भाई अभी निकलते हैं टू द वर्ल्ड ऑफ एक्शन, एक्शन वाली दुनिया में जाते हैं। यार दो है ना, दो फुटेजेस डिलीट हो गई मोटो ब्लॉग्स की, जो जाते वक्त थोड़ा ही किया था मैंने और आते वक्त भी थोड़ा ही किया था। ऐसा दो तीन मिनट की मोटो ब्लॉग की अपनी फुटेज डिलीट नहीं हुई, उसके अंदर आवाज ही नहीं है, कुछ माइक की दिक्कत हो गई, तो इसलिए वो शॉर्ट निकाल रहा हूँ मैं। अभी फिलहाल बढ़ रहा हूँ टू द वर्ल्ड ऑफ एक्शन। चलो भाई चलते है और एक्शन वाली दुनिया को भी संभालते हैं। दिन में हमने दोनों गोट रूम संभाले घर के, दोपहर में हमने अपने फार्म के काम संभाले और अब जाएंगे और इंशाल्लाह एक्शन वाली दुनिया भी संभाल लेंगे। डायरेक्ट फार्मर लाइफ से शिफ्ट टू पेस्ट्री लाइफ। सबसे पहले तो जाऊंगा और कॉफी पीऊंगा, बैंकर्स कॉफी, याद है या नहीं आपको? घूमते घुमाते पहुंच गए भाई हम लोग। क्या टाइम हो रहा है? रात के 12:15 बज रहे हैं। हाउ आर यू गाइस? एमके का परचम बुलंद रहे, एमके का परचम बुलंद रहे। भाई साहब बहुत दिन बाद आ रहे हो व्लॉग में, जाओ पहले कॉफी पिलाओ यार, ब्लैक कॉफी बैंकर्स वाली। तो चलो भाई ये व्लॉग से यही तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। प्लीज अस्सलाम वालेकुम, हाफिज, टेक केयर, गुड बाय। ये सब क्या लाए यार? Just enjoy.